और तू समन जाने अनो अमरण में संहते बनवारी ने सुना कोई भी माँ इतनी बेदर्दिन नहीं है, माँ की ममता बड़ी विलक्षण होती है। कर्ण की लाश को देखा तो कुंती आई, अर्जुन सोच रहे थे माँ आशीर्वाद देगी और प्रसन्न होगी कि हमने बहुत बड़ा पीर पछाड़ा है आज, पर कुंती तो रो रही है। और जब कुंती को रोता हुआ देखा तो अर्जुन कहने लगे मैया आज मैंने बहुत बड़े पीर को पछाड़ा है, तू अपने पुत्र को आशीर्वाद दे माँ। कुंती को जब रोता हुआ देखा तो अर्जुन के पैरों तले धरती खसक गई और बोले माँ अरे जिस दुश्मन की लाश पर क्यों रो रही हो क्यों? तो मैंने वीर को मारा है और कर्ण जैसा वीर जिस समय कर्ण बाण छोड़ता है तो उस समय पितामह भीष्म भी पीछे हो जाते। आहा ऐसा महाबलधारी वीर, धन्य है उसकी मां कुंती। अरे हम जानी थी अपने मेरी खुशी हो मैं महाकारी मरण में तू क्यों रो रही है? मेरा दोष क्या है माँ? मैंने कोई भूल कर दी है क्या? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? कुंती के कलेजा फटा जा रहा है और कुंती आंखों में आंसू भर के कहने लगी मेरे पुत्र ये तूने जो मारा है ना ये कोई वीर नहीं मारा है, ये तूने अपना भाई, ये तेरा ज्येष्ठ भ्राता है, मेरा ये पुत्र है, ये तेरा भाई है मेरे लाल। क्या किया मेरे बंधुओं? अरे भुजा पकड़ लई तीरे मेरे बंधुओं, तब कहने लगी समझ आई और तू समन माए भ्रात तुम मारो मेरे ललायो तारी भाई है।
जैसे ही इतना सुनाना अर्जुन ने कि मेरा भाई है कर्ण, समझ लो पैरों तले जमीन खसक गई। अर्जुन की आंखें लाल, मानो ऐसा लगा है कि जैसे किसी ने अर्जुन के प्राण खींच लिए हो। अर्जुन बोले, माँ कह रही है झूठ है कि कर्ण मेरा भाई है, तू क्या सच बोल रही है कि कर्ण मेरा भाई? कुंती कहने लगी, मैं सच बोल रही हूँ, आज मैंने अभी तक ये भेद छुपा के रखा। क्यों? क्योंकि मैंने कर्ण को कुआरे पर पैदा किया, एक लोक लाज के कारण, शर्म के कारण मैंने आज तक ये भेद नहीं खोला कि कर्ण मेरा पुत्र है, लेकिन मैं आज सच बोल रही हूँ, ये कर्ण मेरा पुत्र है। मेरे बंधुओं, अर्जुन गिर पड़े जमीन में और कर्ण की लाश पर फूट फूट के रोने लगे, अरे मैया तूने क्या कर डाला ये। गांडीवधारी अर्जुन रो रहे, उधर धर्मराज जी आ गए। धर्मराज ने देखा क्या, और जब ये भेद खोला कुंती माता ने, तो दोनों भाइयों को इतना धक्का लगा, अरे माँ तू इतनी निर्दयी है, तू इतनी कठोर है, आज तक तूने ये भेद नहीं दिया कि कर्ण मेरा भाई है, अगर ये बात तू पहले बता देती माँ, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ता, मैं अपने भाई को चरण छू के मना लेता, मैं अपने भाई को अपनी पार्टी में कर लेता, मैं अपनी साथ में ले लेता, लेकिन मैं अपने कर्ण भाई को मरने नहीं देता। माँ तूने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया है, ऐसे वीर बहादुर, अरे समाज में कितना लज्जित किया गया कर्ण वीर को, कि जिसका कुल खानदान पता नहीं है उसको कोई अधिकार नहीं है, कितना लज्जित किया गया कर्ण वीर को। धन्य है तू माँ, तू ऐसी अभागिन माँ, अरे तूने आज तक ये भेद नहीं खोला कि कर्ण तेरा बेटा है, और तू अपमान होते होते कर्ण का देखती रही, कैसी निर्दयी माँ है। अरे तेरी ममता कहाँ चली गई, तेरा कहाँ प्रेम गया, जो बच्चा माँ को, जो माँ अपने बच्चों को इतना दुलार करती है, आज वो माँ माँ नहीं, इतनी बेरहमी से रही, इतनी बेदर्दन हो गई, जिसने बेटा जवान अपनी आंखों के सामने मरवा दिया। उसी समय श्राप दिया है धर्मराज जी ने। अर्जुन ने भी कहा, मैया आज से मैं, क्योंकि इतना बड़ा कार्य हो गया, बेटा सामने मर गया, हर एक माँ उस बात को छुपाए रही, कैसी लोग कैसी लाज थी, अरे माँ को कम से कम बेटा का प्यार तो देखना चाहिए था, ममता तो देखनी चाहिए थी। आज से हम श्राप देते हैं कि कोई भी माँ अपने पेट में बात को नहीं रोक सकती है। ध्यान रखना, उसी दिन से माताओं को श्राप लगा है कि इनके अंदर बात नहीं रह सकती है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जरूर कह देंगे। और आपने यदि ये कह दिया, ये अर्जेंट बात है बताना नहीं, तो जल्दी और कह देंगे। हाँ,
बड़ी इमरजेंसी बात बताओ, पर ये मत कहो कि ये बहुत जरूरी बात है तो झेल सकती है, और जो कह दिया कि बहुत जरूरी बात है तो पक्का कह देंगे। तो मेरे बंधुओं, आज श्राप दिया है कुंती माता को कि कोई माँ पेट में बात को नहीं रोक सकती है। हमारा